नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। और बाजार में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ऐसे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा खासतौर पे जिसमें आज सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि मौका बाज़ार में कमाई का है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी जो है आज 8750 के ऊपर लगातार टिका हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि 8750 से लेकर 8800 के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि बीते दो दिनों से ये झूल रहा है, ना 8800 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा पा रहा है, ना 8750 के नीचे जा रहा है। ऐसे में कई सारे छोटे मौजूदा शेयर कम से कम है, जब बाजार दायरे में होता है तो छोटे मौजूदा शेयर में एक अच्छी उछाल तेजी देखने को मिलती है। और आज कमोवेश कहीं ना कहीं ये ट्रेंड देखने को मिला। त्योहारी सीजन का सीधे तौर पर बाजार पर असर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ जोरदार उछाल देखने को मिला, मौका मत चुकी है ऐसे शोरों में। इसके अलावा चीनी शोरों में मिठास अभी भी है और मिठास लगता है अभी और भी जारी रहने की संभावना है। कंजम्पशन स्टोरी भारत में बहुत इंटैक्ट है, 3 साल के ऊंचाई पर खपत है, उसका असर कई सारे सेक्टर्स पर देखने को मिला। ऐसे सेक्टर्स पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा है कि तेल गैस शोरों में आज के ट्रेड में एक मजबूत उछाल देखने को मिला है। इस पूरे सेक्टर पर बात करेंगे। अनिल अग्रवाल वेदांता के चेयरमैन से खास बातचीत होगी। इसके अलावा मिड डे जैकपॉट के तौर पर आपको एक शेयर बताएंगे जिसमें हमें उम्मीद है कि बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के ट्रेड में देखिए बाजार भले ही एक दायरे में हो, कुछ एक ऐसे सेक्टर है जहाँ पर आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सुबह जब बाजार ऊपरी स्तर थोड़ा सा फिसला था तो रिलायंस जैसे स्टॉक्स ने, जो कि तेल गैस सेक्टर से जुड़े हुए, उसने बाजार को संभालने की कोशिश की। और अब कहीं ना कहीं यही सेक्टर बाजार को लीड भी कर रहा है तेजी के लिए। रिलायंस करीब 3% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। ONGC में एक अच्छी मजबूती, ऑयल इंडिया, मनाली पेट्रो, गेल जैसे स्टॉक्स हैं। इसके अलावा पेट्रोनेट LNG जैसे स्टॉक्स देखे जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। यानी कि न केवल छोटे मौजूदे बल्कि लार्ज कैप जो है तेल गैस शेयर, वहां भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लोकेश आज के जानकार हमारे साथ लोकेश उपल जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा कि आज तेल के शो में एक उछाल देखने को मिल रहा है, लोकेश क्या राय होगी आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून मनीष जी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा रिस्पांस देखा गया है। फिर लुक एट द सेक्टर ऑफ रिलायंस। अगर आप रिलायंस के चार्ट्स को स्टडी करेंगे यहाँ पे तो 1076 के आसपास एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लिया स्टॉक ने और वहाँ से एक राइट शोल्डर फॉर्मेशन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। तो रिलायंस एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कोप रह सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेयर द पीपल कैन लुक एट और इन्वेस्टर्स कैन लुक एट द टारगेट ऑफ 1250 एंड 1230 ऑन द अपसाइड। तो रिलायंस कैन बी अ वन गुड पिक फ्रॉम दिस सेक्टर। मनीष जी, अगर आप दूसरी पिक की बात करेंगे तो वहाँ पे गेल में आप देखेंगे तो बहुत टाइम बाद एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद 380 के दायरे को उसने ब्रेक किया है और अभी 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें 405 का ही स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 431 विच इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। जैसे ही 431 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा आपको 444 और 450 के टारगेट्स ऊपर की तरफ आते हुए नजर आएंगे। दीज टू पिक्स कैन बी वेरी गुड फॉर द ऑयल सेक्टर। ऑयल सेक्टर में दो स्टॉक्स पर लोकेश ने दाव लगा है। रिलायंस उनको पसंद है, 1250-1230 रुपए तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अब शेयर देखिए दिन के ऊपर स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। गेल भी उनको पसंद है। लोकेश का कहना है कि 405 का आप स्टॉपस लगाइए, 431 से लेकर 445 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिलेगा। 431 का अगर स्तर पार करता है देन 445 तक जा सकता है, लेकिन 405 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगा कर रखना है। और रिलायंस का आप लक्ष्य देखे चल रहे हैं, 1250-1230 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। OMC स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। पूरे तेल के सेक्टर में तो OMC भी आज के ट्रेड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कई सारे OMC स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई या 52-week हाई के आसपास ट्रेड कर। आज के ट्रेड में देखिए BPCL लीड कर रहा है तेजी को, 5% की मजबूती। IOC में करीब 7% की मजबूती देखने को मिली है। HPCL में करीब 5% की मजबूती देखने को मिली है। यानी तमाम OMC स्टॉक्स में आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती आज के ट्रेड में है। लोकेश, क्या राय होगी OMCs में? क्या आप तीनों शेयर इनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह देंगे या इसमें से आपको लगता है एक या दो शेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे? देखिए मनीष जी, पहले तो होल्ड करने की सलाह तो डेफिनेटली बनती है बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और तीनों स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है जहाँ पे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा जा रहा है और इनके लॉन्ग टर्म चार्ट भी सजेस्ट करते हैं कि इसमें अभी अपसाइड बाकी है। अगर इसमें हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे पहला स्टॉक बनता है OIL। OIL के स्टॉक को देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवर में आता है इन्वेस्टर्स के। 401-405 के आसपास ने अच्छी सपोर्ट ली है और वहाँ से OIL में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया है। तो वन कैन लुक एट दिस स्टॉक an upside target of 440 rupees keeping a stop loss around 405 which is the support zone of the stock। isme agar second pick ki baat kare manish ji to yahan pe HPCL hindustan petroleum ki baat hogi, wahan pe bhi ek daily charts pe monthly charts pe right shoulder formation upar ki taraf bani hui hai jo saaf saaf indicate karti hai ki bade smoothly ye jo stock hai 470-480 ke levels ko retest kar sakta hai। to dono positions ko aap hold kar sakte hain। HPCL BPCL hold kar chaliye, achhi mazbooti dekhne ko mil sakti hai। iske alawa all india 440 ka lakshya maan ke chale jabki HPCL ko lagta hai 470 rupaye tak ka lakshya dekhne ko mil sakta hai। aaj bhi dekhiye HPCL अच्छी मजबूती 457-458 के आसपास ये ट्रेड का लोकेश को लगता है कि 470 तक जाता हुआ दिख सकता है। एक सेक्टर और देखिए, रियल्टी स्टॉक्स में वापस से खरीदारी लौटी है और अच्छी बात यह है कि भले दिग्गज परफॉर्म ना कर रहे हो, छोटे मझोले रियल्टी स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। ओवरऑल रियल्टी 2.5% की मजबूती, शोभा लिमिटेड करीब 3% की मजबूती, DB रियल्टी में 5% की मजबूती, 6% के आसपास की है। अच्छे वॉल्यूम के साथ आज एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है DB रियल्टी में। पेनिनसुला लैंड
आप लार्ज कैप रियल्टी स्टॉक्स पे दाव लगाने की सलाह देंगे लोकेश, या आप इनको आपको लगता है कि इसमें पांच में से ही कोई शेयर है जो और बेहतर रिटर्न दे सकता है? देखिए मनीष, जैसे कि हम देख सकते हैं कि द सेलिब्रेशंस आर देयर एंड द फेस्टिव सीजन इज ऑन। फेस्टिव सीजन में कई बार होता है कि लोग इन्वेस्टर्स नए मकान देखने की कोशिश करते हैं, नए होम लोन्स लेने की कोशिश करते हैं टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे दो ही पिक्स निकल के आती हैं जो काफी कंफर्टेबल लग रही है। वन इज ओबेरॉय रियलिटीज। अगर आप ओबेरॉय रियलिटीज के चार्ट को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखी गई है क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 300 और वहाँ से एक अच्छा स्पाइक आया स्टॉक में, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह देंगे फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 340। और इसी में अगर दूसरी पिक की बात करते हैं तो वो है डीबी रियलिटीज। अगर हम डीबी रियलिटीज का चार्ट को स्टडी करेंगे तो उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवर में आता है इन्वेस्टर्स के। 44 रुपए के आसपास इसमें एक बेस फॉर्मेशन हुआ और राइट शोल्डर फॉर्मेशन जो है मंथली चार्ट पे शो कर रहा है कि यहाँ पे कहीं बुलिश पैटर्न तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 60 रुपीज। तो दीज टू पिक्स कैन बी वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स विद लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। डीबी रियल्टी खरीदारी कीजिए है तो होल्ड कीजिए, 60 रुपए तक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी भी लोकेश को पसंद है, हमको लगता है कि वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। दोनों स्टॉक्स में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली। ओबेरॉय रियल्टी में 340 रुपए का लक्ष्य होगा, डीबी रियल्टी में 60 रुपए तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक छोटा सेक्टर देखिए लोकेश, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीते कई हफ्तों से अच्छी मजबूती देखने को मिली और खासतौर पर बीते 5-6 दिनों में तो जोरदार तेजी है। पेपर शेयर में देखिए उछाल है, मालू पेपर में तो गजब की तेजी देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिनों का ट्रेंड आप देखें, जोरदार तेजी, आज भी करीब 9% की मजबूती। इसके अलावा रुचिरा पेपर लगातार खरीदारी, रेनबो पेपर, सीसासाई पेपर, पद्मजी इंडस्ट्रीज में आज भी 9% की मजबूती। इसके अलावा पद्मजी पल्प देखिए, वहाँ 12-13% की मजबूती। जेके पेपर, ये पेपर स्टॉक्स में जिस तरह से खरीदारी देखने को मिली है, पहले इन शेयरों में हम देखते थे कि थोड़ी वॉल्यूम की दिक्कत होती थी, अब वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, 12-13 लाख शेयरों का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तेजी पर खरीदारी करनी चाहिए, एग्रेसिव ट्रेडर को अब इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से एक बड़ी रैली देखने को मिली है? देखिए मनीष जी, पेपर सेक्टर नो डाउट बड़ा लुक्रेटिव लग रहा है और हर स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वी आर सीइंग एन अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू 4-5%, समवेयर क्लोज टू 10%। लेकिन अगर इसमें भी हम चाहेंगे तो एक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रख सकते हैं। अगर आप रुचिरा पेपर के चार्ट को स्टडी करेंगे तो काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक बेरिश फॉर्मेशन, बुलिश फॉर्मेशन दिया जो ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है दैट द स्टॉक हैज अ कैपेसिटी टू क्रॉस 100 रुपीज विद वॉल्यूम। तो 105-110 के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं इन द केस ऑफ रुचिरा पेपर्स। यहाँ पे मनीष जी, अगर हमारी कोई सेकंड पिक भी रहेगी तो वो रहेगी जेके पेपर्स में। अगर आप जेके पेपर्स के लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि स्टॉक ने 62 रुपीज के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेट किया और अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप जेके पेपर्स को अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 86-87। तो ये दो रिकमेंडेशन बहुत अच्छी रहेंगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। रुचिरा पेपर में 105-110 रुपए तक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जेके पेपर एक शेयर होगा जो लोकेश को पसंद है। तो पेपर में दो शेयरों पर उन्होंने दाव लगाया जिसमें उनको लगता है खरीदारी कीजिए है तो होल्ड कीजिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की है, लेकिन अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। और आज का मिड डे जैकपॉट शेयर देखने से पहले द्वारकेश, जिस पे खरीदारी करने की सलाह दी गई थी बीते हफ्ते, हमने देखा कि न केवल द्वारकेश में तेजी देखने को मिली, तमाम जो है सुगर स्टॉक्स उसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। द्वारकेश में 270 रुपये का लक्ष्य बताया गया था, शेयर ने आसानी से लक्ष्य को हासिल किया और एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 243 का स्टॉपस लगाया था, उस दिन हमने देखा था बड़ी तेजी, उसके बाद से लगातार एक खरीदारी देखने को मिल रही है। इसने 270 रुपये का लक्ष्य हासिल किया, करीब 14-15% की मजबूती देखने को मिली है बीते 4-5 दिनों में शेयर में। लेकिन आज का जो शेयर होगा मिड डे जैकपॉट में, जिसमें उम्मीद है कि एक मजबूती देखने को मिल सकती है, प्राइम फोकस होगा, एक छोटी कंपनी लेकिन एक टर्नअराउंड स्टोरी पूरी तरह से इस कंपनी में देखने को मिली है। खासतौर पर नतीजों को देखेंगे तो नतीजों में एक टर्नअराउंड स्टोरी देखने को मिली है। तिमाही दर तिमाही देखिए या साल दर साल देखिए, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और इस बाजार में 19 शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, या 19 शेयरों में तेजी देखने को मिली है जिन कंपनियों का परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिला। Q1 में कंपनी को करीब 106 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि Q4 में कंपनी को 80 करोड़ का घाटा था और Q1 पिछले साल में कंपनी को 213 करोड़ का घाटा था, यानी कि घाटे के मुकाबले कंपनी एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे आई है। सबसे बड़ी बात एक और इस कंपनी के साथ पॉजिटिव निकल के आया कि Q1 में जो इसके नंबर्स हैं, जो बिक्री के आंकड़े हैं, वो अब तक के सबसे स्ट्रांग आए हैं, यानी कि इस तिमाही में जो इनकी बिक्री है वो रिकॉर्ड बिक्री हुई है और अब तक की सबसे बेस्ट जो है कंपनी की बिक्री देखने को मिली है। EBITDA देखिए वहाँ करीब 19% का जंप देखने को मिला, और EBITDA मार्जिन देखिए वहाँ भी करीब 19.5% का जंप देखने को मिला है, यानी कि ओवरऑल नंबर्स देखिए कंपनी के बेहतर है, सभी सेगमेंट में कंपनी के मार्जिन में बढ़त देखने को मिली है। अब ट्रिगर्स क्या हैं इस कंपनी के लिए, आगे के लिए भी हो सकता है शेयर में अच्छे नतीजे देखने को मिले, इसके बड़ा ट्रिगर यह है कि कंपनी के जो है पोर्टफोलियो में फिलहाल $20 करोड़ के मूवीज पाइपलाइन में है। इसके अलावा कंपनी कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और एक बड़ा
ट्रिगर्स कंपनी का यह है कि रियो ओलंपिक में भी कवरेज में यह कंपनी पार्टनर थी, उसका फायदा भी आने वाले तिमाही नतीजों में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। अब तकनीकी तौर पर देखिए, नतीजों के बाद से लगातार शेयर में तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है, अपने डेली वीकली तमाम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऐसे में लगता है कि शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 80 रुपये का जो पहला लक्ष्य निकल के आता है, स्टॉप लॉस जो है, अब चूंकि शेयर में करीब 8-9% की मजबूती देखने को मिली, आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए, अपने खरीद भाव से 2-2.5% नीचे का वापस लगाइए। पहला लक्ष्य 80 का है, आगे का लक्ष्य बताने के लोकेश हमारे साथ है। लोकेश, पहला लक्ष्य तो मैंने 80 का दिया, क्या राय होगी आपकी? मनीष जी, जितना फंडामेंटली आप इस स्टॉक के बारे में बता सकते हैं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिए, विच मेक वेरी सिंपल फॉर द इन्वेस्टर्स कि दिस इज अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। अगर हम इसकी बात करें टेक्निकल चार्ट्स पे, तो मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करना पसंद करूंगा, जहां पे साफ साफ नजर आता है कि स्टॉक ने बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाया 65 रुपये के आसपास, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो इन्वेस्टर्स के फेवर में जाता है। तो वन कैन लुक इन इन्वेस्टमेंट इन प्राइम फोकस फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 80 रुपीज, जैसे भी मनीष जी ने डिस्कस किया, एंड द सेकंड टारगेट ऑन the stock is around 85 and 90 rupees. So it's a good stock to invest for an immediate target of 85 and keeping a stop loss around close to 68 rupees, which is the close base formation of this stock. So सीधे तौर पे लोकेश की राय के अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, अच्छी 80 के भी लक्ष्य को यह पार करता हुआ दिख सकता है। कंपनी डिजिटल सेगमेंट से, डिजिटल सेगमेंट से एक और कुछ एक और ऐसी कंपनियां जो बेहतर परफॉर्म करी, एजुकेशन स्टॉक्स देखिए, बढ़ते चलो बढ़ते चलो, मैंने आज ये थीम चुना है इस शेयर के लिए, क्योंकि देखिए इन तमाम शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। कैरियर पॉइंट जब शेयर निकाला गया था तो करीब 15% की मजबूती, अब 20% के अपर सर्किट पे कारोबार करा, सर्किट लग ही गया शेयर में, इनफैक्ट 20% का। एडिकॉम वहाँ मजबूती, एवरॉन एजुकेशन मजबूती, NIT मजबूती, जी लर्न, इसके अलावा एपटेक देखिए लगातार एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। क्या राय होगी लोकेश, अब तो कैरियर पॉइंट में सर्किट लग गया, क्या आपको लगता है कि इन स्टॉक्स में सेकेंड हाफ में कोई ऐसा शेयर है जो अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? क्योंकि ये ट्रेंड है एजुकेशन स्टॉक्स में, देखते हैं किसी शेयर में सर्किट लगता है। पिछले दिनों हमने एपटेक में ट्रेंड देखा था, लगातार तेजी देखने को मिली थी जब खबर आई कि राकेश झुनझुनवाला साहब ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। एक दो स्टॉक्स इसमें से कोई आपको लगता है खासतौर पर आज के लिए जिसमें सेकेंड हाफ में थोड़ी और अच्छी मजबूती देखने को मिले, थोड़ा एग्रेसिव कॉल होगा? मनीष जी, यहाँ पे अगर हम दो स्टॉक्स को स्टडी करें विद लॉन्ग विद द शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव टिल आफ्टरनून, तो यहाँ पे एक निकल के आता है, वो है NIT लिमिटेड। अगर हम NIT लिमिटेड के चार्ट को स्टडी करते हैं, दैट इज ऑन डेली, हाफ ईयरली, हाफ आवर्स, एक घंटे के चार्ट्स को, डेली चार्ट को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे 97 के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन है, और जैसे ही 100 रुपये के ऊपर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा, वन कैन इजीली सी टारगेट्स अराउंड 105-106 ऑन दी अपसाइड। सो NIT कैन बी अ गुड यू नो रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर विद द शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। यहाँ पे अगर दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, वो है जी लर्न के स्टॉक का अगर आप स्टडी करेंगे, तो इसने 34 के आसपास बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन दिया है, और वहाँ से राइट शोल्डर फॉर्मेशन आ रही है इसकी वीकली और डेली चार्ट्स पे, जो साफ साफ इंडिकेट करती है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है बुल्स अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं और इसमें फर्दर अपसाइड देखी जा सकती है। सो वन look at an upside in the stock with a perspective of 41 to 42 rupees. It might take a day or two to achieve these targets. तो सीधे तौर पर NIT में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 105 रुपये तक का लक्ष्य, 106 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। दो छोटे छोटे ग्रुप शेयरों पर चर्चा कर लेते हैं लोकेश थोड़ा जल्दी से। आज देखिए ग्रुप की बोर्ड बैठक है, JP एसोसिएट्स, JP पावर, JP इंफ्राटेक, अच्छी मजबूती देखने को मिली तमाम शेयरों में। देखिए JP पावर में करीब 9-9.5% की मजबूती। दूसरा ग्रुप शेयर देखिए आप जिसमें तेजी है, मुंजाल ऑटो, मुंजाल सुबह, शिवम ऑटो, हीरो ग्रुप से जुड़ी कंपनी है। दो ग्रुप शेयरों की मैंने चर्चा की है, मुंजाल तो थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन आप हीरो मोटर कप देखिए, इसी ग्रुप की कंपनी, उसमें मजबूती देखने के लिए 6 स्टॉक्स मैंने बताएं, 2 अलग अलग ग्रुप के, क्या राय होगी आपकी? देखिए मनीष जी, हम दो ग्रुप्स की स्पेसिफिक यहाँ पे बात करना पसंद करेंगे, तो JP ग्रुप में वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डेट इज कमिंग अप एंड द कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू राइट ऑफ दिस डेट एज फास्ट एज पॉसिबल टू रिड्यूस द रेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो JP में थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, अभी थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दी जाएगी, बिकॉज टिल द टाइम द डार्क क्लाउड्स डोंट गेट शेडेड अवे, वी विल नॉट वाइज द इन्वेस्टर्स टू गो अहेड एंड मेक सम फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स ऑन दिस करंट स्टॉक्स राइट नाउ। और जिन्होंने अभी पोजीशन अपनी बना रखी है क्लोज टू द लेवल ऑफ 7 or 8 rupees, वो अपनी पोजीशन को भी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं टिल द डार्क क्लाउड्स गेट शेडेड आउट। तो सीधे तौर पे जिनके पास है पोजीशन होल्ड करके चलिए, थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब प्राइम फोकस देखिए करीब 10% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। अब कुछ एक ऐसे स्टॉक्स की चर्चा कीजिए जिसमें सीधे तौर पे जो है त्योहारी सीजन का असर देखने को मिला। चीनी शेयर में देखिए आज के ट्रेड में वापस एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, और कल से मतलब 2-3 दिनों से लगातार तेजी देखने को मिली है। बलरामपुर चीनी, उगार शुगर, KCP शुगर, रेणुका शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ एक अच्छी मजबूती है। इसके अलावा KM शुगर, सिंभावली शुगर, धामपुर शुगर, बारिकेश शुगर, ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा भी की है, मिड डे जैकपॉट शेयर भी था पिछले दोनों का। इसके अलावा कोठारी शुगर जैसे स्टॉक्स देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। चीनी शेयरों पे क्या राय होगी लोकेश, क्या मुनाफा वसूली के बाद 10-15 दिनों का मुनाफा वसूली के बाद जिस तरह से खरीदारी लौटी है, एग्रेसिव बाइंग करें इसमें? देखिए मनीष जी, हम शुगर सेक्टर की बात करते हैं, बिकॉज द फेस्टिव सीजन इज ऑन, दिस अ लॉट ऑफ डिमांड रिगार्डिंग द शुगर्स इन द मार्केट, एंड प्राइसिंग समटाइम्स गोज ऑन अ हायर साइड, व्हिच इज सम काइंड ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस कंपनी। तो यहाँ पे भी हमें बड़ी सिलेक्टिव सी बाइंग रखनी पड़ेगी, कि हमें जहाँ तो उन्हीं स्टॉक्स पर ध्यान देना पड़ेगा जहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है हमारे क्लाइंट
हमारे इन्वेस्टर्स के फेवर में आता है। तो यहाँ पे से दो पिक निकल के आती है मनीष जी, पहली है बलरामपुर चीनी। अगर आप बलरामपुर चीनी के चार्ट को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 107 रुपए, स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा जा रहा है। तो बलरामपुर चीनी कैन बी अ गुड बाय फॉर द इन्वेस्टर्स फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 130 रुपए, कीपिंग अ स्टॉप लॉस क्लोज टू 105। यहाँ पे मनीष जी हमारी सेकंड पिक निकल के आती है, वो है श्री रेणुका शुगर। अगर श्री रेणुका शुगर को आप स्टडी करेंगे तो जो भी चीनी सेक्टर में एक अच्छा बुल रन देखा गया उसमें स्टॉक ने ज्यादातर पार्टिसिपेट नहीं किया है और एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही ट्रेड किया है। तो यहाँ पे 15.80 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के 19 रुपए के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है विद द प्रोस्पेक्टेड ऑफ 1 to 2 months। रेणुका शुगर में 19 रुपए तक अलग से देखने को मिल सकता है, बलरामपुर चीनी में 130 रुपए तक अलग से देखने को मिल सकता है। लोकेश की राय है कि आप दोनों शेयर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, ताजा खरीदारी भी करके चल सकते हैं। बलरामपुर चीनी 130 रुपए तक अलग से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग देखिए, तमाम ऐसी कंपनियां जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से जुड़ी हुई है उसमें तेजी है, क्योंकि स्पेंडिंग खपत जो है 3 साल की ऊंचाई पर है। अगर खपत ज्यादा से ज्यादा होगा तो इन कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। लिस्ट देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन उसमें कुछ एक स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स खासतौर पर चुन के लाए गए, BPL, फेडरस लॉयड, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो और बटरफ्लाई गांधीमती, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं लोकेश जिसमें हम तेजी देख रहे हैं। इन पांचों में से कोई शेयर आपको पसंदीदा शेयर हो या इसके अलावा कोई शेयर आपको लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल में जिसमें खरीदारी करनी चाहिए, चूंकि अभी दशहरा की शॉपिंग होगी, फिर दिवाली की शॉपिंग होगी, इस दौरान उन शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए मनीष जी, सेक्टर में स्पेसिफिक बात करेंगे तो इसमें से एक स्टॉक निकल के आता है, वो है वीडियोकॉन। अगर आप वीडियोकॉन को स्टडी करेंगे तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत टाइम बाद एक अच्छा बुल रन दिखाने की कोशिश की है आफ्टर वेरी लॉन्ग टर्म ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसका जो सपोर्ट जोन था दैट वाज क्लोज टू 90 रुपीज़ के ऊपर आके जब इसने ट्रेड करना शुरू किया तो वहाँ से एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया, जहाँ पे स्टॉक ने 120-110 के दायरे के ऊपर रीटेस्ट किया एंड बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशन अभी 106 रुपये के आसपास बनता है। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो स्टॉक्स फेवर में आता है इन्वेस्टर्स के, तो 120 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस क्लोज टू 97 रुपीज़। तो वीडियोकॉन में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से कंपनी जो लोकेश को पसंद है, उनको लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए, 120 रुपए तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। वेदांता दिन के ऊपरी स्तर के आसपास करीब 3% की मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा केन इंडिया देखिए, वहां भी करीब 2.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है सीधे तौर पर कि इस साल जो है केन और वेदांता का जो मर्जर की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और केन इंडिया लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि देश में जो है तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके अलावा जी बिजनेस से खास बातचीत में अनिल अग्रवाल ने यह भी कहा कि GST को लेकर जिस तरह से सरकार आगे बढ़ी है, आने वाले दिनों में देश में कारोबारी माहौल और भी बेहतर देखने को मिल सकता है। GST को लेकर अब जिस तरीके से सरकार काफ़ी तेज़ी दिखा रही है, 2017 अप्रैल तक लागू करने की बात की जा रही है, जो GST काउंसिल है उसकी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि GST अप्रूवल जो टाइमिंग है, जो डेडलाइन है, उसको मीट करना जो अभी का जो सिचुएशन है उसमें कितना पॉसिबल है, और आप क्या देखते हैं कि देश का जो कंट्री का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है GDP के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो होना ही था और मेरे को कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगा, सारी जनता साथ में है, सारी गवर्नमेंट साथ में है, ये खाली प्रोसेस की बात है कि ये कैसे होना है, और इसमें छुटमुट कोई छोटी मोटी बातें होंगी वो बात अलग है, बट इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, करप्शन कम हो जाएगा, व्यापारियों को जो प्रॉब्लम होती हैं वो ख़त्म हो जाएगी, इनइक्वलिटी ऑफ द टैक्सेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, एंड ये बहुत बड़ा एक उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, एक स्टेबिलिटी भी आएगी और लोगों को गवर्नमेंट के ऑफिस में या टैक्सेस के ऑफिस में जाना कम पड़ेगा। ओके, एक इम्पोर्टेंस और रेट्स को लेकर सर, आपके हिसाब से क्या रेट्स होना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई स्लैब्स होंगे रेट्स के, तो आपके हिसाब से क्या आइडियल रेट्स? मेरे को जितना सिंपल रखेंगे, आज पूरी दुनिया में सिंपलिसिटी का ज़माना है, तो जितना सिंपल गवर्नमेंट रखेगी, गवर्नमेंट इस बारे में विचार भी कर रही है, जितना सिंपल रखेगी, और देखिए इसमें तो नई नई चीज़ें हम लोग चालू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो चालू करना पड़ेगा, एक बार इसको चालू करेंगे और उसमें कुछ बाद में कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट करेगी। सर एक सवाल वेदांता केन मर्जर को लेकर है, शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी है, काफ़ी हर्डल्स हैं वो दूर हो चुकी हैं, कंप्लीट जो प्रोसेस है इसको पूरा होने में कितना वक्त लगेगा? क्या देखिए, ये तेल इतना बड़ा मुद्दा है, हिंदुस्तान को गरीबी से हटाने के लिए हम लोग 85% ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, और केन एक ऐसी कंपनी है जो कि 30% ऑयल कंट्री का बनाती है, और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, क्योंकि 80% पैसा जो भी हम को माल बेचते हैं उसका हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो ये इतना बड़ा एक काम है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, और केन को मर्ज किया है, वो काम कंप्लीट हुआ है, कोर्ट ने मंजूरी दी, कोर्ट में हम फाइल कर रहे हैं
जो शेयर होल्डरों ने जो उनकी ओपिनियन आई है, और मेरे को लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। सर, एक सवाल ऑयल सेक्टर को लेकर है, आपकी अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट का पैटर्न होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी सिचुएशंस हैं, मार्केट का जो कंडीशंस है, प्राइसेस काफ़ी डाउन है, तो क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं और एक्सपेंशन प्लान क्या होगा, क्या इन्वेस्टमेंट की और स्ट्रैटेजी? लोग दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास लोगों को जाना नहीं पड़े, गवर्नमेंट को नॉर्म्स बना दें कि भाई एनवायरनमेंट की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा एनवायरनमेंट सबसे सुरक्षित रहे, उसके बारे में गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाए। उसके अलावा जितनी भी चीज़ ऑटोमेटिक कर दे उससे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल हो, और वो अभी जो हम इन्होंने जो अभी 29 वेल का किया, इसमें इसका भी वर्ल्ड में अच्छा इम्प्रेशन है, और मैं इसको चाहता हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल हो, और आगे आने वाले दिनों में कम से कम भी 15-20 कंपनियां और आवें, और हिंदुस्तान में कोई कंट्री अगर 50% अपना ऑयल नहीं बनाती है तो वो सर्वाइव करने में बहुत तकलीफ होती है। तो सीधे तौर पर आप सुनते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन कहते हुए कि लगातार कंपनी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि देश में जो है तेल उत्पादन को बढ़ाया जाए। हमने ऑयल गैस सेक्टर पर बात भी की, रिलायंस एक शेयर है जो लोकेश को पसंद है, इनके अलावा उनको लगता है गेल में भी एक अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल सकती है। केन देखिए दिन के ऊपर स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोकेश, केन और वेदांता पर क्या रहा होगा जल्दी से? देखिए मनीष जी, हम केन वेदांता की बात करते हैं, हमारा 182 का टारगेट था जो उसने बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया। 182 इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा, 211 के लक्ष्य के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे केन वेदांता में अच्छी मजबूती की लोकेश को उम्मीद है। अभी दोनों शेयर में देखिए दिन के ऊपर स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है।